नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप फ्रॉम नेचुरोमेटिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर। मैं हूं फाउंडर इन्वेंटर नेचुरोमेटिक वेलनेस मैनेजमेंट मेथड। ये वो मेथड है जिसको नॉन इन्वेसिव ड्रगलेस थेरेपी और साइको योगिक थेरेपी कहते हैं। इस तरह से ये काम करता है, यानी बिना किसी दवाई के उपचार करने की कोशिश करते हैं, आठों तरह की वेलनेस को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं इसमें 10 एलिमेंट की। 5 एलिमेंट तो अधिकतर सबको मालूम है, हम 10 एलिमेंट्स की बात करते हैं। उन 10 एलिमेंट्स में से एक बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है, मूलभूत तत्व है, वो है प्रकाश। प्रकाश को हर कल्चर में, हर संस्कृति में महत्व दिया जाता है। हर जगह पे जो भी कभी फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, सब में रोशनी का बड़ा महत्व होता है। और वो रोशनी हमें दो जगहों से, दो सोर्सेस से, दो स्रोतों से मिलती है। वो है चंद्रमा और सूर्य। सूर्य ही है एक्चुअली जो प्रकाश का स्रोत है। उसका चिकित्सकीय लाभ भी बहुत है। अगर हम सिर्फ सूरज के प्रकाश में लेट भर जाएं, वैसे तो इसकी बड़ी सारी विधियां हैं। लुई कुने एक वैज्ञानिक हुए नेचुरोपैथी के, जो प्राकृतिक चिकित्सा करते रहे, उन्होंने उसके विभिन्न संबात की विधियां बताई हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह की कुनकुनी सी धूप जब होती है, उसमें अगर कमर करके लेट जाएं, तो उस संबात का बड़ा फायदा होता है। हमारे शरीर में सूर्य क्षेत्र कहलाता है नाभि वाला क्षेत्र, इसीलिए उसे मणिपूरक चक्र चक्र कहते हैं। उस मणिपूरक चक्र को अगर नाभि पे, बैली बटन पे, अगर आपने थोड़ा तिल का तेल या सरसों का तेल लगा लिया या घी लगा लिया, तो उसके बड़े फायदे हैं। इस तरह से हम सूर्य तत्व की, प्रकाश तत्व की, अग्नि तत्व की पूर्ति अपने शरीर के अंदर कर सकते हैं, और जो बड़ी लाभप्रद है। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड पे धूप ले रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, सूर्य प्रकाश मिल रहा है, तो विटामिन डी का सिंथेसिस बड़ी आसानी से हो जाता है। वरना तो उस कैल्शियम सिंथेसिस के लिए आपको बहुत महंगी महंगी मेडिसिन्स लेनी होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा शरीर के लिए लाभकारी भी नहीं है। तो प्राकृतिक तरीके से सूर्य को ग्रहण करें, अग्नि तत्व को प्राप्त करें, उसके लिए बहुत आसान है। मणिपूरक चक्र पर ध्यान दें और धूप का सेवन करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।